का मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक तो इसीलिए कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें भारत की सनातन संस्कृति को प्रभावित करने वाली श्रीमद् भगवद् गीता का वितरण का कार्यक्रम बनाया है और जो हमारी सामूहिकता की एक परंपरा है उसमें सहभोज का भी कार्यक्रम नियंत्रित किया है और वो भी अपने जन्मदिन पर, इसलिए मैं विवाह वर्षगांठ पर, इसलिए मैं उनको विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सरिता सोनी और विमल सोनी को कि वो इसी प्रकार समाज सेवा के काम में लगे रहे, इसी से सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का है, तो मैं चाहती हूँ कि धर्म देखो संस्कृति को धर्म जी जो सनातन संस्कृति माने क्या, जो हमारी संस्कार है परंपराएं उनको हम करते रहेंगे तो उसी से संस्कृति आगे बढ़ेगी और संस्कृत तब आगे बढ़ेगी जब लोगों को संस्कार मिलेगा। उन्हीं के बच्चों को फ्री ऑफ शिक्षा भी देती है। तो ये रहे सत्यदेव पचौरी जी, कानपुर के सांसद, और इनके द्वारा इनके मुखार बिंदु से बोली हुई गीता वितरण के हेतु हार्दिक शुभकामनाएं रही आने वाले को विद्यार्थी है। आज हमारी हिंदू संस्कृति वेद यहाँ से गायब हो गया, बहुत से लोग नाम नहीं बता पाएंगे घरों में। भगवान के लिए आपका कार्यक्रम सफल हो, इसी प्रकार से आप और बड़े बड़े आयोजन करें। गीता देखिए, गीता एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ क्या के अंदर सारे धर्मों में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको स्वयं प्रभु ने बोला। ईसा मसीह ने कहा है कि मैं भगवान का बेटा हूँ। पैगंबर ने बोला है कि मैं भगवान का दूत हूँ। परंतु श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ईसा मसीह ने कहा है कि मैं भगवान का बेटा हूँ। पैगंबर ने बोला है कि मैं भगवान का दूत हूँ। परंतु श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। और भगवान होने के साथ उन्होंने गीता का उपदेश दिया है हमारे मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए। गीता ही परम सत्य है। जय जय श्री राम। इसके साथ ही पनकी में हनुमान मंदिर के बाबा का आशीर्वाद लेते हुए और अभी निकल चुकी हूँ हमारे विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय संयोजक शैलेंद्र पांडे जी के घर, जिनके द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं और काफ़ी सहयोग बना रहा। इनके सहयोग से ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मुझे हिम्मत प्रदान करता रहा और अभी रास्ते का ये रश है, आप सब देख सकते हो, सुबह से निकलते ही इतनी व्यस्तता होती है। ये 22 तारीख की तैयारी है और ये ब्लॉग हमारे लेट पहुंचेंगे आप तक, क्योंकि इन व्यस्तता के साथ वीडियो एडिट करना वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन कार्य कितना भी बड़ा हो, मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब आप जुनूनी होते हैं। और ये इन्विटेशंस देने के साथ साथ अपने अंदर एक थकावट भी होती जा रही है कार्य के लिए, क्योंकि बड़ा कार्य है तो सब कुछ अरेंज करना हो रहा है, जैसे मंदिर प्रांगण में टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, चूँकि 200 लोगों 250 लोगों का भोज वितरण समारोह भी लगा हुआ है। इसके साथ ही बहुत सारी ऊर्जा इधर उधर भागते भागते थोड़ी सी लॉस हुई। इन सब में विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो को एडिट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही कम समय में इस वीडियो को एडिट करती हूँ मैं। घर गृहस्थी मैं बार बार बोलती हूँ, बाहर निकलना समाज सेवा, बाहर हर चीज़ देखना संभालना है, सेंटर भी चलाना है, तो
मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, 3 बजते हैं मुझे सोते सोते। तो जब इतनी मेहनत के साथ मैं इतने जतन के साथ आप लोगों के साथ एक प्रेरणा बन के समाज में उतरती हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करना। मणिराम भगतिया पहुँच चुके, पूरे दिन की थकावट के बाद लास्ट रह गया है हमारे जो पिताजी हैं प्रमोद कुमार गुप्ता। तो पिताजी को अभी हम इनवाइट करना यहाँ पर छोड़ रहे थे, क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा ऐसा कुछ सिचुएशन था तो नहीं निकल पाई। आज सबको मैंने इनवाइट किया है, तो ये लास्ट पूरा दिन थकावट से भरा रहा। सीक्वेंस तो आपको पता ही है, पचौरी जी से स्टार्ट की थी, दुर्गा काली जी से स्टार्ट की थी, काली जी मंदिर को इनविटेशन देने के बाद महंत जी, अब इसके बाद प्रमोद बाबा जी। तब प्रमोद बाबा जी की लोकेशन ऑन हो चुकी है, अब हम उनके घर तक पहुँच रहे हैं। चलिए, सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन ऐसे ही वीडियो आपके साथ चलते चलते और भागते भागते हम विमल ऐसे ही सबको इनवाइट कर रहे हैं। प्रमोद बाबा जी के घर पहुंच चुके हैं, चलिए ले चलते हैं आपको अपने पिताजी के घर। ऊपर छत से हमको इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सी दूसरी मंजिल में। बड़ा आनंद आया थकने में, बहुत थक गए पूरा दिन गाड़ी चलाते चलाते गली में से गूगल ने तुम भ्रमित कर दिया, बहुत थकावट। यानी कि सोशल वर्क करना इतना आसान नहीं है, ना इतना सरल है, क्योंकि जब कार्य बड़ा हो ना और लक्ष्य बड़े हो तो इंसान के इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर इरादे मजबूत नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। चलिए ले चलती हूँ आज अपने पिताजी के घर। हाँ मेन मार्केट में है ना, तो इस वजह से वहां से दिखाई पड़े, सेकंड फ्लोर। एक जीना और माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ा रहे हम लोग तो। हाँ, अब कमर वाला जरा फील हुआ। वेलकम पिताजी, प्रणाम। आपके घर की आज की आसान नहीं है। मैं आप एक दे। ये हमारे पिताजी के घर और ये यहीं खड़े हैं हमारे स्वागत के लिए। इसमें क्या था कर? हमने कहा चले भाई आज तो होके ही है। राधे राधे। अब तो उसके वजह से हमने कहा था, और कोई बात थोड़ी थी। सब के यहाँ जा रहे भाग भाग के, ये कोई भाग नहीं जा रहा। और बिटिया में निकली बात आई अकेले, फिर घर कौन देखता। वो का घर देखने लायक हो गई क्या। अब क्या करे बताओ, मजबूरी है। अभी तो इतनी नहीं है जो घर देख ले। अब अगर हमको जिम्मेदारी निभानी, थोड़ी सेवा करनी है, किसी एक को समझदार बनना पड़ेगा। वो बड़ी इंटेलिजेंट है, इतनी छोटी है, बड़ी भी नहीं है। हाँ, बड़ी तो है। निकालो मिठाई, निकालो तो साथ खिला। समझदार बना दिया, देखा है, बहुत अच्छी है। अरे बहुत बढ़िया डांस करती है, और उसको भगवान ने वैसे बॉडी वॉडी भी देती है। हाँ, वो स्ट्रक्चर भी वैसा ही बना। गए थे पंकी, गए थे आज। अच्छा, वहाँ के महंत जी को भी इनवाइट किया। अरे वाह। तो फिर हमने कहा लाओ प्रसाद लेते चले सबके लिए। तो प्रसाद जी सादर आमंत्रित है, और ये हमारी माँ है। ये हमारे इस भगवत गीता समारोह के लिए जो वितरण समारोह है, इसमें हमारे पिता और हमारी माँ दोनों आमंत्रित हैं। आप दोनों का आना अनिवार्य है, ठीक है। और ये इसी के साथ हमारा ब्लॉग का अंत हो रहा है। पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे। बेटी का काम है, जो भी हम कर पाएंगे हमारे लिए बहुत कम होगा। अब इसके आगे क्या। आशीर्वाद। हाँ। आशीर्वाद जरूर दीजिए, और हमारी मम्मी का भी। मम्मी आशीर्वाद। ये सब हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, लेकिन सच में मैं बहुत बहुत भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। सौभाग्य कि ऐसे हमें बेटी मिले, ऐसे विमल जी का बेटा। ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आज इसी का व्लॉग यहीं से अंत करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये 22 तारीख का गीता वितरण समारोह भोज समारोह रहा। इसका एक वीडियो जो कि प्रेरणात्मक संदेश लेके आएगा, सनातन संदेश से जुड़ा हुआ, वो आपके साथ बहुत जल्द शेयर होने वाला है।
और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि जो तैयारी है इतने दिनों से सुरेंद्र मैथानी जी या फिर हमारे कानपुर के से पचौरी जी, इन सबको आमंत्रित करने के साथ हमारे जितने भी महात्मा हैं, मठाधीश हैं, उन सबको आमंत्रित करने का मात्र एक उद्देश्य हमारा सनातन संदेश को लेकर चलना और गीता वितरण एवं भोज समारोह रहा। और ये भोज समारोह बहुत जल्द आपके साथ वीडियो जारी किया जाएगा। हमारे चैनल बंद रहने के धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।